विश्व ब्लड डोनर डे है। ब्लड डोनेशन को लेकर के जो भ्रांतियाँ थी पहले से काफ़ी कम हुई है। अब ब्लड डोनेशन करने वाले लोग स्वतः स्फूर्त भी आगे आते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो 50 बार 60 बार 70 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। आज ही मैंने एक अखबार पढ़ा था, एक दंपति है जो दोनों पति पत्नी साथ ब्लड डोनेशन करते हैं और प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि आपके ब्लड की एक बूंद पता नहीं कितने आदमी जान बचा सकती है। तो हम सबको भी चाहिए कि हम ब्लड डोनेशन के दिन, या वैसे भी हमारे बर्थडे पे, हमारी शादी की सालगिरह पे, या हमारे किसी अच्छे ओकेजन पे हम ब्लड डोनेशन करें। इससे कमज़ोरी नहीं आती है, न स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, उल्टा उत्ता खून बहुत जल्दी और बन जाता है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो कैपेबल है उनको अपनी ज़िंदगी में ब्लड डोनेशन अवश्य करना चाहिए। आज के दिन इस बात का हम संकल्प लें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चिकित्सा प्रकोष्ठ एवं पूर्वांचल जन चेतना समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज ये पोस्टर का विमोचन किया गया है। इसका उद्देश्य रक्तदाताओं को प्रेरित करना है कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की शरीर में कोई शारीरिक कमजोरी नहीं आती। जो भी लोग स्वस्थ हैं वो रक्तदान करें, और लोगों के भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको जीवनदान के लिए मदद करें। और आज पोस्टर का विमोचन किया गया है तीन प्रकार से लोगों के जागरूकता के लिए। मैं डॉक्टर संजय पुरोहित, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। आम जन में रक्तदान की प्रेरणा करने के लिए आज कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ और पूर्वांचल जन समिति चेतना समिति द्वारा एक पोस्टर का विमोचन किया गया है, जिसमें कि लोगों को ये बताया, प्रेरणा दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करके गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। मैं डॉक्टर जी एस गुंदेला, महासचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ राजस्थान।